अभी जो हमारी टीम यार वो विराट कोहली और हार्दिक पांडे को देख लो रो रहे थे मैच के बाद। आज हम बात करेंगे साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के दरमियान आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के अंदर जो मैचेस हुए हैं, वो कितने मैचेस हुए हैं, कौन जीता। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल क्रिकेट फॉर ऑल। मैं हूं सुहेल खान। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया की बात करें यार, जिसमें कल ही मैच हुआ ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका का, बहुत ही यार टफ मैच हुआ। एक टाइम पर मुझे लग रहा था श्रीलंका मैच जीत जाएगा, क्योंकि जब स्टोइनिस नहीं आया था क्रीज के ऊपर उस वक्त उनका स्कोर इतना कम जा रहा था रन रेट। स्टोइनिस के आते ही जो उसने आते धुआंधार बैटिंग की है, उसने श्रीलंका टीम को मेरे ख्याल से तकरीबन टूर्नामेंट से बाहर ही कर दी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से मैच आ रही है, उनके इंग्लैंड के साथ है, न्यूजीलैंड के साथ है, बहुत टफ टीम मैचेस होने वाले श्रीलंका के लिए। उसके अलावा अगर जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका की बात करें तो बहुत ही यार टफ मैच हुआ है पाकिस्तान के लिए, तो ये बहुत ही खुशहाल बात है, क्योंकि जिम्बाब्वे और पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का जो मैच थे ना, वो साउथ अफ्रीका को जीतने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अगर वो मैच जीते तो सीधे 2 पॉइंट आ जाते और एक तो उनका रन रेट बहुत अच्छा हो जाता। तो जिस तरह के डिकॉक बैटिंग कर रहा था, मुझे तो लग रहा था कि यार ये तो अगले 4 ओवर में 5 ओवर में स्कोर चेज हो जाएगा 79 कुछ, लेकिन नहीं, बारिश ने हमारा साथ दिया और वो मैच वहीं भी कैंसिल हो गया और 1-1 पॉइंट दोनों को चला गया। तो ये तो यार बहुत ही खुशहाल बात है पाकिस्तान की शायकीन के लिए। और उसके अलावा यार हमारे जो एक्सपर्ट हैं यहाँ पर पाकिस्तान में, इनको सिर्फ मौका चाहिए, ज़रा सा कोई ज़रा सी बस छोटी सी गलती सी देर होती है और ये बस निकल आते हैं अपने बिलों से बाहर और बस पाकिस्तान को निशाने पर, पाकिस्तान की टीम को निशाने पर रख दिया तो बस जी इनके ऊपर ऐसी ऐसी बातें करनी, ऐसे और डिप्रेस करना हमारी टीम को। और इनका ये नहीं कि इनको मोटिवेट करें, इनको बूस्टअप करें, यार ठीक है एक मैच हार गए कोई नहीं, आगे बहुत से मैच पड़े हैं, लेकिन नहीं ये वही बोलेंगे कि इंडिया से हारे, क्यों हारे, क्यों हारे यार, हमारे पहले हिस्ट्री देख लो, हमारी पहले इंडिया के साथ जो हमारे वर्ल्ड कप में मैचेस हुए, हम किस तरह मैचेस आ रहे हैं, कितने कितने गंदे मैचेस आ रहे हैं। अभी जो हमारी टीम यार वो विराट कोहली और हार्दिक पांडे को देख लो रो रहे थे मैच के बाद, इतनी मुश्किल से वो मैच जीते, इतनी मुश्किल से कि मैं तो बोल रहा हूँ इंडिया की आवाम को भी हार्ट अटैक आज तो आ गए होंगे। हम तो बिल्कुल ही सुकून से थे, क्योंकि हमें पता था यार ठीक है यार सही जा रहा है पाकिस्तान की टीम, लेकिन एंड में आके थोड़ा सा गलत हो गया जिस वजह से इंडिया की टीम जीती। लेकिन इंडिया की जो टीम थी ना, फैंस थे, वो तो टोटली यार बहुत ही ज़्यादा खुश हुए होंगे, क्योंकि उनको लग रहा था कि हम तो मैच आ रहे हारे हो, लेकिन कोहली की बात करें तो कोहली ने बहुत ही अच्छी इनिंग्स खेली उसके अंदर, जिस वजह से इंडिया मैच जीत चुका। हम बात करते हैं साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के वर्ल्ड कप मैचेस के बारे में, कि इन दोनों के दरमियान कितने मैचेस हुए अभी तक और किस तरह हुए और कौन जीता। तो सबसे पहले बात करेंगे इनके दरमियान 2007 से लेकर अभी जो वर्ल्ड कप हुए, सिर्फ और सिर्फ 3 मैचेस हुए हैं और वो तीनों के तीनों मैच साउथ अफ्रीका नहीं बल्कि पाकिस्तान जीता है। तो यार बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि उस टाइम की टीम की बात करें साउथ अफ्रीका की और अभी की टीम की बात करें तो ये तो है डिफरेंस तो है, लेकिन फिर भी 3 मैच हुए साउथ अफ्रीका के साथ हमारे। पहला मैच अगर बात करें तो पहला मैच पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका दरमियान हुआ था 2009 के अंदर। 2009 में पाकिस्तान ने वो मैच जीता था सिर्फ और सिर्फ, साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान को 142 रन का टारगेट दिए थे 5 विकेट के नुकसान के ऊपर, 5 विकेट साउथ अफ्रीका की गिर चुकी थी और साउथ अफ्रीका ने 142 रन बना लिए थे। बहुत ही अच्छी बैटिंग की थी उस मैच में साउथ अफ्रीका ने, लेकिन फिर जब पाकिस्तान की बारी आई तो पाकिस्तान ने आसानी से वो स्कोर चेज कर लिए, क्योंकि शेब मलिक, आफरीदी, कमरान अकमल और यूनस खान, इन सब की उसमें परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही थी, जिस वजह से पाकिस्तान वो टोटल आसानी से चेज करने में कामयाब हो गया और पाकिस्तान वो मैच जीत गया। और उसके बाद पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान मैच हुआ 2010 के अंदर। 2010 में मैच हुआ, फिर पाकिस्तान 11 रन से जीत गया, साउथ अफ्रीका ने 137 रन का टारगेट दिया पाकिस्तान को और वो पाकिस्तान ने इजीली चेस कर लिया, 137 रन का 7 आउट हो गए थे साउथ अफ्रीका के, फिर भी पाकिस्तान ने वो रन आसानी से चेस कर लिया और पाकिस्तान वो मैच भी जीत गया। फिर लास्ट मैच हुआ पाकिस्तान का 2012 में, 2012 में साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान में T20 वर्ल्ड कप के अंदर ये लास्ट मैच था, उसके बाद हम साउथ अफ्रीका के साथ कोई मैच नहीं खेले T20 वर्ल्ड कप के अंदर। तो इस मैच में जी साउथ अफ्रीका ने 136 रन पाकिस्तान ने टारगेट दिया और साउथ अफ्रीका सिर्फ 133 रन बना सकी और 6 विकेटें भी गिर गई। तो इस तरह पाकिस्तान ने तीन मैचेस हुए हैं साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के दरमियान और तीनों मैचेस पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह जीत लिए। तो अभी होने जा रहा है पाकिस्तान और जिम्बाब्वे का मैच कल और इंडिया और नीदरलैंड का मैच, तो अब देखते हैं पाकिस्तान के लिए
पाकिस्तान के लिए जितने भी मैचेस हैं वो सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि पाकिस्तान का रन रेट अभी माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है। रन रेट के लिहाज से पाकिस्तान अभी बहुत ही अच्छा है, क्योंकि रन रेट की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ पॉइंट्स की ज़रूरत है। जिससे जिस तरह हम जी मैच जीते जाएंगे उस तरह हमारे पॉइंट्स बढ़ते जाएंगे, और अगर हमारे पॉइंट्स कम होंगे तो फिर तो ये अच्छी बात नहीं है पाकिस्तान की टीम के लिए, क्योंकि पाकिस्तान की टीम को भी पॉइंट्स चाहिए। तो कल का मैच पाकिस्तान के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अहमियत का हमें। तो कल के मैच पे डिपेंड करता है कि पाकिस्तान मैच किस तरह खेलता है, क्योंकि कल का मैच पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आगे के सारे मैच पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और खास तौर पर साउथ अफ्रीका के साथ मैच होगा तो देखते हैं वो मैच कौन जीतता है, क्योंकि वो फाइनल मैच होगा समझो, या तो पाकिस्तान इन होगा या तो पाकिस्तान बाहर होगा। अभी कुछ कह नहीं सकते क्योंकि अभी बहुत सारे मैचेस बाकी हैं, ग्रुप मैचेस बहुत सारे बाकी है, बहुत बारिश का भी सूरत हाल इस तरह की, कभी बारिश हो जाती है कभी एकदम रुक जाती है, तो अभी कुछ कह नहीं सकते मैचेस के बारे में, क्योंकि पॉइंट्स इस तरह है ना कि पॉइंट्स कभी भी किसी के बढ़ सकते हैं, किसी को 8 पॉइंट्स मिल सकता है, कोई अगर खेले तो उसको इजीली 2 पॉइंट्स मिल सकते हैं। अगर कमज़ोर टीम के साथ मैच है तो आसानी से 2 पॉइंट अर्न कर सकता है, लेकिन अगर कमज़ोर टीम के साथ मैच हो और बारिश हो जाए फिर तो उनको 1 पॉइंट ही लेना पड़ेगा, क्योंकि फिर तो कुछ कर ही नहीं सकते, तो फिर तो बारिश है, रूल इज़ अ रूल। तो गाइस पाकिस्तान के लिए मैच नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दुआ करिए पाकिस्तान आगे अच्छा अच्छा प्ले करे और क्रिटिसाइज़ बिल्कुल ना करे। अभी अगर हमारे सारे प्लेयर डिप्रेस हो जाएंगे तो फिर आगे नेक्स्ट मैचेस वो कैसे खेल पाएंगे। तो बॉयज हमारी दुआएं आपके साथ है, आप अच्छे से अच्छा प्ले करें और हमारे लिए वर्ल्ड कप इंशाल्लाह पाकिस्तान ले करें। तो उम्मीद है गाइस वीडियो आपको पसंद आएगी, तो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करो, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो, अगर फेसबुक पर देख रहे हो फेसबुक को फॉलो करो, टिकटॉक पर देख रहे हो टिकटॉक को लाइक करो, और उधर भी हमें फॉलो करो। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई किसी न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, गुड बाय।